टपू जी, अरे सर दीपक, आपकी कुछ फोटोग्राफ्स हैं जो आप अपने फैंस के लिए डालते हैं, नीचे बड़े मजेदार कमेंट्स से कुछ पढ़ते हैं, आइए देखता हूं। हां, आई लव दिस। अजय सर ने फोटो डाला है BRB इन द मिडल ऑफ समथिंग इंपॉर्टेंट। कमेंट्स दिखाइए नीचे। इन्होंने बच्चों से मोबाइल छीना है और अब खुद देख रहे हैं, अब बच्चों की माँ आएगी वो इनसे फोन छीनेगी, यही जीवन चक्र है। और दिखाइए, लगता है अगली फोटो के लिए इन्हें कैप्शन नहीं मिल रहा है, वहीं सोच रहे हैं। किसी ने उसको रिप्लाई किया, वाह भैया ये क्या सोच रहे होंगे, वो भी आप सोच रहे हो, अपना काम क्यों नहीं करते। उसने फिर रिप्लाई किया, मैं तो फिर भी अजय देवगन के बारे में सोच रहा हूँ, आप कितने बेकार हैं जो मेरे बारे में सोच रहे हैं। और दिखाइए, मोबाइल के साथ सीरियस दिखने वाला इंसान कुछ इंपॉर्टेंट काम कर रहा हो ये जरूरी नहीं है, हो सकता है वो लूडो खेल रहा हो। और दिखाइए, कभी कभी मेरे दिल में, व्हाट अ ब्यूटीफुल पिक्चर। क्या हो, हमारे मेहमानों को छेड़ते हो? आइए कमेंट्स देखते हैं। कभी कभी मेरे दिल में, उसने कहा मेरा ख्याल आता है ना। उसने रिप्लाई किया, तेरा ख्याल तो तेरे पिताजी को नहीं आ रहा, वो वसीयत से तेरा नाम काट रहे हैं। और दिखाइए, कुछ कहने को नहीं है, दीपक भाई ने फोटो डाला। दीपक भाई कहाँ का फोटो है ये? ये पिथौरागढ़। पिथौरागढ़ घूमने गए शूट? नहीं, शूट पे। आइए नीचे कमेंट्स देखते हैं। ये सही है, कुछ कहने को नहीं है, वो कैप्शन डालने की जरूरत थी। कुछ खाने को भी नहीं है, किसी ने लिखा रिप्लाई में, किसी ने लिखा है तो भैया ग्लास में चाय है या कुछ पीने को भी नहीं है। इनका सीन खत्म हो गया, अब इंतजार कर रहे हैं कि इनके घर की तरफ कोई गाड़ी जाए तो उससे लिफ्ट मांगे। इनको किसी ने कहा था कि धूप में विटामिन डी मिलेगा, ये घर से ग्लास लेके विटामिन डी लेने आए हैं। और दिखाइए, दीपक जी इंतजार कर रहे हैं कि बंदर किसी टूरिस्ट का चश्मा लेके पेड़ पे चढ़े तो ये 20 रुपए लेके उसको वापस दिलवाए। हैं ये। और दिखाइए, आइए कमेंट्स पढ़ते हैं। मुझे भी वाइफ के आगे किसी लड़की को देखना होता तो मैं भी चश्मा लगा के ऐसे ही सोचने की एक्टिंग करता हूँ। ये सोच रहे हैं 350 का जूस है और बियर 300 की, क्या मंगवाऊं? बरसों से चली आ रही परंपरा स्माइल प्लीज को नकारते हुए प्रसिद्ध अभिनेता अजय देवगन। और आगे दिखाइए, तब्बू जी ने फोटो डाला है ये, आइए नीचे कमेंट्स देखते हैं। तब्बू जी मैं आपका इतना बड़ा फैन हूं कि मैं अपने अब्बू को भी तब्बू तब्बू कहता हूं। जरूर प्रेस वालों ने इनसे पूछ लिया था 2 अक्टूबर को आप दोनों कहां थे। और दिखाइए, अपन पहले से ही ऐसे हैं, आइए नीचे कमेंट्स देखते हैं। शुद्ध गरीब। ये आप ही का डायलॉग है ना। सर मेरा दोस्त भी बचपन से ही ऐसा था, आप घबराए नहीं, इसका इलाज संभव है। यहां बैठने से कुछ नहीं होगा, चौक पे बैठो, वहां दिहाड़ी वालों को जल्दी काम मिलता है। ओह, और दिखाइए, कुछ सतराम पाजी, नहीं तुम्हें जानते हैं। Suddenly felt like there was a wall between Kajol and me. Jokes apart, Satnam, you stand tall and make us proud. Very nice photo. आइए comments देखते हैं। ऐसे आदमी को मौसम विभाग वाले रख लें तो ये बादल में उंगली करके बारिश करवा सकता है। ऐसा लग रहा है जैसे ये आप दोनों को स्कूल छोड़ने आए हैं। जंगल में मोर नाचा किसने देखा? इस आदमी ने जरूर देखा होगा। काजोल मैम जिस तरह से पर्स का ख्याल रख रही हैं, उससे लग रहा है वो अभी अभी एटीएम से कैश निकाल के लाई हैं। और दिखाइए, टी ना होती तो क्या होता? आ सर ये आपके ही सेट की फोटो है। अच्छा, हम जब दृश्यम के लिए आए थे। वाओ। टी ना होती तो क्या होता, इसमें कवि जो कहना चाहता है बहुत गहरी बात है। आइए नीचे कॉमेंट्स देखते हैं। मैडम अगर टी ना होती तो आई लव यू तब्बू की जगह आई लव यू अब्बू लिख रहा होता। Oh God!
किसी लिखा कॉफी गहरी बात की आपने कॉफी गहरी ब्लैक एंड व्हाइट फोटो खिंचवाते वक्त टी टी ही रहती है या वो भी ब्लैक टी हो जाती है कैसा लगा मेरा मजाक और दिखाइए लो जी दीपक भाई ने फोटो डाला है बड़े बुजुर्गों का प्यार और आशीर्वाद मिलता रहे बस आइए नीचे कमेंट्स देखते हैं बुजुर्ग को पीछे बिठा रखा है खुद नेहा के पास बैठे हो लगता है आपको आशीर्वाद नहीं प्यार चाहिए ऐसा पजामा पहनकर चेक वाली चद्दर में मत सोना वरना कोई चद्दर के साथ पजामा भी खींच लेगा दीपक सर आपका ये पजामा जब खराब हो जाए तो मुझे दे देना मैं अपने बच्चों के लिए चेस बोर्ड बनवा लूंगा और दिखाइए खत्म ओके धन्यवाद हमारे पास कुछ अफवाहें आई हैं जी आपके बारे में एक अफवाह है जी सर कि आपको टाइटैनिक भी ऑफर हुई थी लेकिन आपने शर्त रख दी कि मैं दो जहाजों के ऊपर पैर रख के आऊंगा तो उन्होंने कहा समंदरी जहाज है थोड़ा थोड़ा इधर हो सकते तो इसलिए मना हो गया नहीं उन्होंने वहां से चिट्ठी लिखी थी लेकिन जब तक मेरे पास पहुंची तब तक टाइटैनिक डूब चुका था तब मुझे आपके बारे में ये फायदा कि आपने पुलिस वाले रोल इतने बखूबी किए हैं और इतने सारे रोल किए हैं कि कभी कभी आप घर से निकलती हैं सेट के लिए और पुलिस स्टेशन चली जाती है जूहू दीपक भाई आपके बारे में अफवाह है कि आपको पहाड़ों से इतना प्यार है कोई आपसे पहाड़ों के बारे में पूछता है तो आप 2 से 20 तक का पहाड़ ही सुना देते हैं अच्छा सर ये अफवाह ये तो मैं बिलीव करता हूँ कि आपकी आंखें बड़ी नशीली हैं तो अफवाह ये कि आप कभी खुद ड्राइव नहीं करते क्योंकि पुलिस वाले पकड़ के चालान काट देते हैं आपका अफवाहें मार्केट में घूमती रहती है क्या करें जैसे दीपक भाई के बारे में अफवाह है कि आप गेंदा पांडा पप्पी रिंकू थापा ममदू जैसे नामों में कंफर्टेबल रहते हैं अगर आपको सिंघानिया या ओबेरॉय रख दे आपका नाम तो आपसे एक्टिंग नहीं होती है अरे सर आपके बारे में एक और अफवाह है कि फूल और कांटे में जब आप बाइक पे स्टंट कर रहे थे गोलमा और सिंगम में कार पे स्टंट कर रहे थे भोला में ट्रक पे स्टंट कर रहे हैं तो अफवाह ये कि जब आप कभी नई गाड़ी का टेस्ट ड्राइव लेते हो तो कंपनी वाले लाइसेंस नहीं आपसे पूरे पैसे मांगते हैं कि कहीं वापस तोड़ फोड़ के ना दे दो आप अफवाहें बढ़िया पूछ लेते हैं तब मैम आपके बारे में ये अफवाह है कि आपकी हाइट इतनी अच्छी है माशाल्लाह आपसे रोमांटिक सीन वाले दिन कई हीरो जो होते हैं वो घर से बीवी की हील पहन के आते इसी के साथ हमारी अफवाहें समाप्त होती हैं बहुत बहुत धन्यवाद ट्रेलर में जो VFX का कमाल है वो भी बड़ा कमाल का और इनकी जो टीम है NYVFX वाला से भी सारी इनकी टीम जो है यहाँ पे मौजूद है बहुत बहुत स्वागत है आपका बहुत अच्छा काम किया आप लोगों ने अच्छा एक बात आप लोगों से पूछनी थी पर्सनल है जैसे मान लो अजय सर को डांस कराना हो नाटू नाटू वाले पे तो उसमें VFX काम आता है कि वो भी कहता मैं इतना भी VFX नहीं था हो जाएगा उसमें VFX भी काम नहीं आएगा पर कमाल का काम किया आपने बहुत बहुत मुबारक आपको द वेरी ग्रेट हार्ड वर्किंग बॉयज And I really want to thank all of you all for working day and night. अरे सर दीपक भाई बड़े प्यारे इंसान हैं और दिखते भी ऐसे मतलब शुक्रिया लेकिन आगे आगे की लाइन मैं ये पूछा था कि मुझे ऐसा लगता है कि इनका कोई स्कूटर भी छीन लेना तो ये FIR कराने नहीं जाएंगे इतने प्यारे इंसान हैं आपको इनके अंदर विलन कैसे दिख गया यार ऑनेस्टली बताऊं जब मैंने दीपक के बारे में सोचा कास्ट करने के लिए तो मेरी पूरी टीम बोलती ने कहा कि दीपक थोड़ा आपके सामने वीक लगेगा एक्शन करना है ये करना है वो करना है तो मैंने उन्हें एक ही जवाब दिया ऐसे जब एक्टर परफॉर्म करता है ना तो यहाँ से शुरू होता है यहाँ उसकी बात खत्म हो जाती है और वो दीपक में है और वो किसी भी चीज़ में ट्रांसफॉर्म कर सकता क्या बात थैंक यू तो मैम आपका रिश्ता इतना पुराना है पहले पहले जब फिल्मों में आते थे आपका रोमांस देखने को मिलता था अब आप चोर पुलिस खेलना शुरू हो गए हैं इनको ये भाग मेरे साथ रोमांस करने में कोई इंटरेस्ट नहीं रहा कभी कभी ऐसा होता है ना कि ऐसे किस्से होते हैं कि अच्छा फलानी फिल्म में ऐसा हुआ था ये शूट करते कभी ऐसा हुआ बहुत इंटेंस सीन कर रहे हैं आप इनकी आंखों में देखो हंसी निकल गई हो आपकी आपके साथ ऐसा होता है नहीं ऐसा तो नहीं हुआ क्योंकि ये बहुत सीरियस रहते हैं शूटिंग के वक्त मतलब इज अ वेरी लाइक
यू नो फोकस्ड एक्टर. दोस्त के साथ जब आप काम कर रहे हो हाँ, वो मतलब ज्यादा इजी होता है कि मुश्किल होता है? कंफर्टेबल होता है. राइट. यू नो आपका रिश्ता ही इतना अनकंडीशनल होता है राइट, कि वो कहीं ना कहीं तो कैरी होता ही है कैमरे के सामने, मुझे ऐसे लगता है. अच्छा, ऐसा भी होता है ना दोस्तों में कि हम टेंशन नहीं लेते ज्यादा कि पता है कि दोस्ती है? ऐसा कभी हुआ कि इन्होंने एज ए डायरेक्टर आपसे कहा हो कि तब्बू इस सीन में मजा नहीं आया, एक और करेंगे, और आपने कहा हो कि तुम्हारे भी तो आठवीं में इतने नंबर आए थे फिर? मेरी हिम्मत एज ए डायरेक्टर मैं इनको कुछ बोलूं, लेकिन मैं इनके नजर में समझ जाती थी कि ही वॉन्ट्स वन मोर, बिकॉज I know him so well. I know each, मतलब उनके एक एक नजर से मैं समझ सकती हूँ कि whether he is happy, not happy, today he is upset, or today he is very excited, today he is satisfied with the work or not. So I know when he is not been happy with the shot, and I know when he is been very happy with a take. तो अजय सर, अब आप खुद डायरेक्टर हैं, मुझे एक बात बताइए, जो कभी कभी डायरेक्टर बोलते हैं कि बहुत अच्छा था, एक और लेते हैं, उसका क्या मतलब होता है सर? उसका मतलब आज तक मुझे भी समझ में नहीं. हाँ, कहीं कहीं बोलते हैं ना कि बहुत अच्छा था सर, एक कैमरा के लिए एक और. तो पहला किसके लिए लिया था? आपका मूड खराब नहीं करना चाहता शायद डायरेक्टर ना, ये बोल के कि नहीं यार वन मोर, नहीं यार वन मोर बोलो तो एक्टर थोड़ा शायद हो जाए, तो उनको लगता है पहले अच्छे से उनको पूछ रहा तो बहुत अच्छा है, तो एक्टर को लगे मैंने बहुत अच्छा. एक फोकस के लिए और. हाँ, एक फोकस, कैमरा फोकस के लिए. इनडायरेक्टली वो ये कहना चाहता था कि आपका फोकस नहीं था. ओके, दीपक भाई को आप इतनी सारी फिल्मों में देखा है, बहुत कमाल का काम करते हैं और अपने फनी किरदारों के लिए बहुत जाने जाते हैं, और इस बार ये बड़े खूंखार किरदार में दिख रहे हैं. किस तरीके की मतलब तैयारी होती है अगर आपको एकदम से फनी किरदार में से आपको कुछ ऐसा विलन बनना है? नहीं, वो करना तो था ही, शेड्स ट्राई करता हर एक्टर, तो मैंने भी किया. मतलब एक साल से मैंने सबको थैंक यू और सॉरी बोलना बंद कर दिया. अच्छा, क्यों? ग्रीट करना बंद कर दिया. कहता है और दीपक कैसे है, और कैसे है अर्चना जी, ये सब बंद कर दिया मैंने, तो उससे निकला थोड़ा सा और थोड़ी थोड़ी खूंखारता बढ़ी है. तो देखें, मतलब जो है नहीं. वैसे आप प्यारे इंसान हो. हाँ, प्यारा सा हंसमुख इंसान, लेकिन अब रोल है तो उसके लिए तो ढूंढना ही पड़ेगा. फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़.